हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने एपीएससी सीसी प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज का पेपर वन वो सॉल्व लेके आया हूँ और ये सेट नंबर डी है। ध्यान रखना ये सीरीज डी है। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो देखिए कैसा क्वेश्चन आया। जैसे कि सबको बताइए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया इस बार। सो देखते कैसा क्वेश्चन आया, आप लोग भी उसी हिसाब से तैयारी करेंगे नेक्स्ट ईयर। और जो लोग मतलब एग्जाम दिया वो लोग अपना जो आंसर है वो इधर मतलब करेक्ट कर लीजिए, किसका कितना करेक्ट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन आया, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टी इन असम। सो टी इन असम, टी के बारे में, जो असम टी के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया, तीन स्टेटमेंट दिया गया। सो कौन सा करेक्ट है देखिए। नंबर वन, द शिंगपोस वर ऑलरेडी फेमिलियर विथ टी बिफोर इट बिकम मोर वाइडली नोन। सो शिंगपोस को पता था पहले से ही, मतलब टी जब मतलब पॉपुलर होने से पहले भी उनको पता है मतलब टी के खेती कैसे करते हैं। ऑप्शन टू, ब्रूस ब्रदर्स आर कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ असम टी। ऑप्शन थ्री, असम कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1835। सो कौन सा करेक्ट कोड है देखिए। ऑप्शन ए ओनली वन एंड टू, ऑप्शन बी ओनली वन एंड थ्री, ऑप्शन सी ओनली वन, ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री। जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी ओनली वन एंड टू। देखिए शिंगपोस को पहले से पता था, उसके बाद ब्रूस ब्रदर पायनियर कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ असम टी, असम टी के मतलब जनक कह सकते हैं हम लोग, और असम कंपनी 1839 में ये एस्टेब्लिश हुआ, ध्यान रखना। सो ये ऑप्शन थ्री एकदम गलत है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के बारे में नीचे दिया गया स्टेटमेंट देखिए। ऑप्शन वन, वैदिक लिटरेचर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, श्रुति एंड स्मृति। ऑप्शन टू, द लैंग्वेज यूज इन द फोर वेदास आर इज क्लासिकल संस्कृत। नंबर थ्री, द रामायण एंड द महाभारत आर टू मेजर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। सो देखिए कौन सा करेक्ट कोड है। ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन सी बोथ टू एंड थ्री, ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री। सो इसमें जो राइट आंसर होगा ओनली, देखिए ओनली वन इज करेक्ट। वैदिक लिटरेचर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, श्रुति एंड स्मृति। और जो लैंग्वेज है देखिए, लैंग्वेज यूज इन फोर वेदा इज क्लासिकल संस्कृत नहीं, ये वैदिक संस्कृत है ध्यान रखना, और रामायण महाभारत वैदिक लिटरेचर का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया। सो ट्रीटी ऑफ यांडाबू, उसके बाद देखिए इसका मैच कर लीजिए फर्स्ट असमिस मैगजीन और अरुणोदय पब्लिश, ये थोड़ा इजी लगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असम मेडिकल कॉलेज, उसके बाद एनुलमेंट ऑफ द IMDT एक्ट। सो देखिए इसमें जो करेक्ट कोड है, सो देखिए ट्रीटी ऑफ यांडाबू ये ऑप्शन टू के साथ करेक्ट है, यानी देखिए 1826 फर्स्ट असमिस मैगजीन अरुणोदय पब्लिश 1846, मतलब A2B1। देखिए A2B1 ये दो ऑप्शन ऐसा सिमिलर ऑप्शन दिया, देखिए A2B1, उसके बाद देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असम मेडिकल कॉलेज ये ऑप्शन फोर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी A2B1C4D3। क्वेश्चन नंबर फोर, मैच द एपिग्राफ इन द लिस्ट विथ द रूलर हु इशूड देम इन द लिस्ट टू। सो देखिए एपिग्राफ इस किसने मतलब इसको इशू किया। ऑप्शन ए बारगंगा, बारगंगा किसका किसके साथ मतलब ये कनेक्शन है, बारगंगा बुटी बर्मन, ध्यान रखना बारगंगा बुटी बर्मन, निदानपुर भास्कर बर्मन, हायंताल हरजरा बर्मन, गाजतौल गोपाल बर्मन। सो देखिए कौन सा राइट आंसर है, देखिए बारगंगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लिस्ट टू के साथ मिला मतलब नंबर टू। सो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए यानी सी और डी दोनों में सेम है, ऑप्शन ए टू, उसके बाद देखिए बी निदानपुर वन ये भी सेम है, उसके बाद सी देखिए हायंताल फोर होगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पुराण्स कंटेन्स द रेफरेंस टू द एंशियंट असम, मार्कंडे स्कंद नारदिया विष्णु पुराण। सो कौन सा राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है देखिए ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी वन टू थ्री एंड फोर ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द सर्च एंड द रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड सीरिया एंड टर्की आफ्टर द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ऑन 6 February 2023 इज नेम्ड एज। सो ये ऑपरेशन दोस्त होगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो फेब्रुआरी से भी क्वेश्चन आया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेरिफ्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी आर ट्रू। सो नंबर वन, द टेक्स्ट वॉज रिटन इन द ग्रीक फॉर ट्रेडर इन्वॉल्व इन द मर्चेंट एक्टिविटीज। नंबर टू,
द टेक्स्ट सर्वाइव्स इन द फॉर्म ऑफ द 10th सेंचुरी मैन्युस्क्रिप्ट नंबर 3 द मैन्युस्क्रिप्ट हैज एरर एंड ओमिशन ऑप्शन 4 इट इज़ अ वर्क ऑफ द मल्टीपल ऑथर्स सो जो राइट आंसर होगा वो है देखिए ऑप्शन 1, 2, and 3 करेक्ट सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग क्वेश्चन देख लेना मैं बता दूंगा आंसर अलाउद्दीन खिलजी सॉट टू फिक्स द कॉस्ट सो इसमें देखिए 1, 3, and 4 करेक्ट होगा सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 द वर्सेस ऑफ द ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट आर फाउंड इन द आदि ग्रंथ ऑफ द सिख निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बख्तियार खकी सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ओनली 2 यानी फरीदुद्दीन क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोड़बड़ुआ एंड बोड़फुकन आर करेक्ट सो द पोस्ट ऑफ द बोड़बड़ुआ एंड बोड़फुकन आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी टू कंट्रोल द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटोरी ऑफ द अहोम किंगडम ऑप्शन 2 द पोस्ट एडेड द डिसेंट्रलाइजेशन ये तो सही नहीं है ऑप्शन 3 दे वर मच एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑटोनोमस हेड ऑफ द एरिया ये सही है सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर सो क्वेश्चन नंबर 11 सो 11 क्वेश्चन हम लोग बाकी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा थैंक यू